हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। आज हम पल्सर रेस्टोरेंट के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा पल्सर रेस्टोरेंट में अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, वो स्टार्ट नहीं हो रहा सेल्फ स्टार्ट से। तो चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो दोस्तों, ये है मेरा पल्सर रेस्टोरेंट, 1 साल 2 महीने पुराना है। चाबी मैंने इंसर्ट कर दिया है। देखिए, इलेक्ट्रिक स्टार्टर ऑन करते ही, इग्निशन स्विच ऑन करते ही कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है लाइट। स्टार्टर ऑन करके देखते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, स्टार्ट भी नहीं हो रहा। इग्निशन का स्विच भी नहीं आ रहा अभी यहाँ पे। हेडलाइट के स्विच देते ही देखिए जरा फ्लक्चुएट कर रहा है। तो क्या दिक्कत है, चलिए देखते हैं, फिर से करके देखते हैं एक बार। अब ये दबाते ही ये स्टार्ट ही नहीं हो रहा बिल्कुल। अभी लाइट आने लग गया और ये पूरा डिस्प्ले गायब हो गया है और फिर से आ गया है। देखिए जैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, अपने आप ही कर रहा है। स्टार्टर स्विच दे के देखते हैं, डिस्प्ले चला जा रहा है बार बार, फिर से आ गया अपने आप। तो कुछ ऐसा दिक्कत हुआ है मेरे पल्सर रेस्टोरेंट में, चलिए देखते हैं इसका क्या सलूशन है। हेलो दोस्तों, तो नया बैटरी आ चुका है मेरे बाइक का। ये है नया बैटरी, पुराने वाला ब्लैक कलर का था, मैं फोटो दे दूंगा, ये वाला ग्रीन कलर। तीन दिन बाद मुझे नया बैटरी मिला है सर्विस सेंटर की तरफ से। चले जाए आगे देखते हैं बाइक स्टार्ट होता है कि नहीं। ट्री स्पैनर्स ओपन करने वाला हूँ। ये वाला टिप है, 10 नंबर का है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बैटरी मैंने पहले निकाल रखा था पुराना वाला, उसको सबमिट करने के बाद 3 दिन बाद मुझे नया बैटरी मिला है। चलिए लगा के देखते हैं।
इस तरह से कुछ लग गया है हमारा बैटरी, तो चलिए एक बार स्टार्ट करके देखते हैं स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा तो इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रॉब्लम है, अगर हो गया तो सिर्फ बैटरी का ही फॉल्ट था, क्योंकि मैंने बैटरी पुराना चेक कराया था वो फॉल्ट दिखा रहा था, तो बैटरी तो अभी नया लगा दिया है। चलिए स्टार्ट करके देखते हैं। और ये प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो गया है, यहाँ पे ये तो पूरा फ्लिकर कर रहा था, और ये इसका जो इग्निशन का जो लाइट है वो नहीं आ रहा था, वो भी आ रहा है। चलिए एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। परफेक्ट है, आरपीएम भी ठीक है, एग्जैक्टली 600 से 700 के बीच। तो चलिए सीट बिल्कुल प्रॉपरली फिक्स हो गया है। तो दोस्तों मेरे आरएस में जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया है। बेसिकली उसका बैटरी में फॉल्ट आ गया था, बैटरी वारंटी के अंदर था, उसमें अराउंड 18 मंथ्स की वारंटी रहती है, और मेरी बाइक का भी कम से कम 14 से 15 महीने पुरानी थी, तो उन्होंने बैटरी रिप्लेस करके दिया, और उन्हें 3 दिन लगा उनको ये करके देने के लिए, और उन्होंने जो नया बैटरी दिया उसमें उसका वारंटी कार्ड नहीं दिया, और उन्होंने ये बिल दिया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और आपकी बाइक में आपकी आरएस में ऐसा कोई कभी भी प्रॉब्लम हो, लाइट फ्लिकर करने लगे इग्निशन के बाद, तो प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं बैटरी में भी हो सकती है, और आप तुरंत अगर सर्विस सेंटर जाके बैटरी चेंज करवाइए। कंटेंट पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ज़रूर, एंड कीप राइडिंग एंड ऑलवेज वेयर हेलमेट। थैंक यू।